हालात जो है वो थोड़े से नाजुक हो चुके हैं, और वो इस वजह से है क्योंकि कल है अपेरेंटली मेरा साइकोथेरेपी का सेशन है। क्या मेरे चेहरे से लग रहा है मैंने पढ़ाई करी है? नहीं, मैं अब बेड पे लेटा हुआ लैपटॉप खोल के पढ़ रहा हूँ एडलर के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स है कुछ कुछ। सो हियर अबाउट दिस, राइट, देर इज़ वन टेक्निक इट्स नोन एज स्पिटिंग इन द क्लाइंट्स सूप। उसका मतलब मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली इट मीन्स कि जो बिहेवियर आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट ना करे, यू मेक दैट बिहेवियर सीम अनअट्रैक्टिव। विच मीन्स कि अगर आपको लगता है कि आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है एंड यू वॉन्ट देम टू क्विट स्मोकिंग, या फिर दे वॉन्ट, ओके, ये भी बात है कि दे शुड ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, लेकिन वो होता नहीं यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, करना मुझे भी है, राइट। तो वो क्या है कि यू नो एवरी टाइम जैसे कि मैं फूकता रहता हूँ या मैं मौत सिगरेट फूकता हूँ, तो आप कहें यार हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़ कि तुम अपनी सांस कभी भर के नहीं ले पाओगे, यू नो लाइक यू 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 आर सैक्रिफाइसिंग अपनी पूरी तरीके से सांस लेने की क्षमता फॉर दिस। तो आपने कहीं ना कहीं ना स्मोकिंग से जो रिलेटेड एक थोड़ा सा कूल सुआव टाइप की इमेज थी ना, वो आपने घटा दी। दैट्स वन टेक्निक दे यूज़। एक है अवॉइडिंग द टार बेबी। अ पेशेंट हु फील्स वर्थलेस मे एक्ट इन अनोइंग वेज सो दैट द थेरेपिस्ट मे बी अनॉयड एंड दस कन्फर्म देयर परसेप्शन दैट दे आर वर्थलेस। द थेरेपिस्ट मस्ट अवॉइड फॉलोइंग इन टू दिस ट्रैप एंड दस अवॉइड टचिंग द टार बेबी। रादर थेरेपिस्ट शुड इंकरेज बिहेवियर्स दैट विल लीड टू ग्रेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ इंस्टेड ऑफ कॉमेंटिंग ऑन द पेशेंट्स इन इफेक्टिव परसेप्शन ऑफ बिहेवियर। सो इसमें एग्जाम्पल भी दिया कि पेशेंट बोल रहा है When new workers arrive at our store, I try to help them, but they tend to ignore me. I notice that you ignore me and don't really listen to me when I talk about my problems. Therapist बोलता है, You might like me to ignore you, but I'm not. I want to hear more about things that are happening to you at work. The counselor wants to avoid having the patient see that he is ignoring her. He says that he is not, and then goes on to work on patient goals. तो basically ऐसे ना patients कभी कभी self sabotage करने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर ये कह रहा है कि you know sometimes they're going to bring up कुछ इस टाइप के बिलीव्स कि वो यू नो सीक्रेटली अपने दिमाग में ये बात प्रूव कर लें कि एक्चुअली यू डू नॉट बिलीव व्हाट यू आर टेलिंग देम एंड दे आर एक्चुअली राइट सीक्रेटली बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देयर बिलीव्स। तो खैर नहीं, इट्स इंटरेस्टिंग, इस वजह से मैं आराम से पढ़ भी पा रहा हूँ ऑलमोस्ट नियर द एंड। एक बार सुबह उठ के और पढ़ूंगा। एक तो यार बच्चों ने एग्ज़ाम लिखवाया भाई दोपहर के अंदर। दोपहर किसका सोने का टाइम है गेस करिए। दिस फेस राइट है, क्या कर सकते हैं। तो घर में जाएंगे अब इम्तिहान देंगे। दैट्स ऑल दैट्स सपोज्ड टू बी डन। और लगातार 3 दिन है साइकोथेरेपी, साइको डायग्नोस्टिक्स और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। इन्नल्लाह, दैट इज ऑल आई हैव टू से।